दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन योर जेल ब्रेक। लाइक अगर आपका फोन कभी शट डाउन हो जाता है या बैटरी ड्रेन होने के कारण पावर ऑफ हो जाती है उसकी, या आपको कई बार ऐसी सिचुएशन आती है फोन को टर्न ऑफ करना पड़ता है, तो आपको ही पता है ये सेमी अनटेथर्ड जेल ब्रेक है। लाइक अनकवर हो गया और सेमी टेथर्ड है, चेक रेंज से होती है। तो उस केस में आपको भी पता, जब भी आपका फोन टर्न ऑफ हो जाए और टर्न ऑन करते हैं, आपको दोबारा से जेल ब्रेक करनी पड़ती है, या तो कंप्यूटर की मदद से या साइड लोडेड ऐप होगी जैसे ऐप वैली पे जाके, ट्वीक बॉक्स पे जाके, इन साइड्स पे जाके। तो इन साइड्स पे जाके कई बार ऐसा होता है रिवोक हो जाती है और जेल ब्रेक नहीं हो पाती। और हर एक पर्सन के पास कंप्यूटर नहीं होता। लाइक कभी कोई बंदा बाहर गया होता है तो उसके पास लैपटॉप नहीं होता या डेस्कटॉप नहीं होता जिस पे जाके वो दोबारा जेल ब्रेक करे। तो आज मैं आपको दो ऐसे ट्वीक बताऊंगा, जिसमें से एक ट्वीक के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी, जिसका नाम है सेंटिनल। आज मैं फिर से एक बार बताने जा रहा हूं दोबारा, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए देर किए बिना आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज के हमारे सबसे पहले ट्वीक का नाम है सेफ शटडाउन। ये देखिए, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये स्क्रीन पे अलग से आइकन बना आ जाएगा इसका। ये देखिए दोनों फोन्स पे, ये देखिए दोनों फोन्स पे डाउनलोड है मेरे। ये एक मेरे पास इस टाइम आईफोन 12 मिनी है और एक आईफोन 7 है, दोनों ही जेल ब्रोकन है। अब आप ये देखिए, इसमें टन्स ऑफ ऑप्शन है। मैं अपने फोन को पावर ऑफ करना चाहता हूँ, रीबूट, रीस्प्रिंग, सेफ मोड, सेफ शटडाउन, किल ऑल एप्स। ये देखिए ये सारी की सारी मेंशन है। मैं यहां से भी इसको कर सकता हूं, और सबसे पहले मैं उसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूं कैसे करनी है। ये ट्वीक सेक्शन में गए आप, सेटिंग में जाके ये देखिए जहां पर आपके ट्वीक्स आते हैं, ये सेफ शटडाउन है, इसको अनेबल किया। अब यहां पर ऑप्शन है शटडाउन सेटिंग्स की, मैंने ये देखी यहां पर किया हुआ है, मेरा फोन 10% जब बैटरी रह जाए तो शटडाउन हो जाए, लाइक आर्टिफिशियल शटडाउन। जब भी मैं अपने फोन को पावर के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, मुझे बार बार अपने फोन को जेल ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रीस्टार्ट कब हो, जब मेरी फोन की बैटरी परसेंटेज 16% पे पहुंचे, जब मैं चार्जिंग पे लगाऊं ये तब रीस्टार्ट हो जाए। एक इसमें इमरजेंसी वेकअप है, इसको टर्न ऑन करना है। उस केस में क्या है, अगर सडनली आपका फोन शट डाउन हो गया, जैसे 10% से बैटरी लो रहती है, तो आपने कुछ जरूरी, कुछ अपने फोन में से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको या किसी को इमरजेंसी कॉल करनी है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर ये मेंशन है 3 टाइम अगर मैं अपना वॉल्यूम बटन प्रेस करूंगा तो मेरे फोन शट डाउन मोड से बाहर आ जाएगा, और मैं इमरजेंसी किसी को कॉल करनी है, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं उसको रिसीव कर सकता हूं। तो ये इसकी सेटिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पावर ऑप्शन है आपको कौन कौन सा, जैसे ये देखिए मैंने 3 इसमें मॉड्यूल असाइन किए, पावर ऑफ, रीबूट और सेफ शटडाउन। उसमें क्या है, ये देखिए जैसे मैं अपने फोन को ये देखिए टर्न ऑफ मोड पे लाऊंगा, ये देखिए मैंने 3 मॉड्यूल असाइन किए हैं, सेफ शटडाउन, स्लाइड टू रीबूट और स्लाइड टू पावर ऑफ। ऐसे ही आप कुछ भी चाहें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ज्यादा मॉड्यूल बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं टर्न ऑन करके। उसके बाद अलर्ट ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं इसमें टर्न ऑन करना या टर्न ऑफ करना सेफ शटडाउन में, वो कर सकते हैं जब आप डाउनलोड करेंगे। टर्न्स ऑफ ऑप्शन है इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसमें। इसका सोर्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका करके दिखाता हूं। सपोज करो मैंने इसको शट डाउन करना है, आप ये देखिए मैं इसको शट डाउन करता हूं, ये देखिए मैं सेफ शट डाउन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे फोन को इसने शट डाउन पे कर दिया है। अब मैं कुछ भी काम करना चाहूं, ये देखिए कुछ भी काम नहीं होगा। अब जैसे मैंने टर्न ऑन करना है इमरजेंसी में, तो ये देखिए मैं 3 टाइम प्रेस करूंगा अपने फोन को वॉल्यूम बटन को, ये टर्न ऑन हो जाएगा, 1 2 3। ये देखिए रेड पावर बटन ब्लिंकिंग हो रहा है और अब मेरा फोन टर्न ऑन हो गया है। ये देखिए मैं फिर से दिखा दूं। सपोज करो आपका फोन कई बार बैटरी परसेंटेज 10% से नीचे रह जाती है, तो आपने का फोन शट डाउन हो गया तो सडनली आपको टर्न ऑन करना पड़ा, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, ये देखिए मैं इसको दोबारा से करके दिखाऊं। सेफ शटडाउन किया, शटडाउन मोड में आइए। अब मैंने क्या करना है, जस्ट 3 टाइम ये अपना वॉल्यूम बटन प्रेस करना है, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए गाइस बाहर आ गया, बाहर भी इसका आइकन है
और सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेफ शटडाउन। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीक की, जिसका नाम है सेंटिनल। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूं, इसका सोर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इसकी भी वर्किंग सेम ही है जैसी मेरा फोन, जैसे मैंने ये 9% सेट की हुई है, आप दोनों में से कोई भी ट्वीक आप इंस्टॉल कर ले, ऑलमोस्ट वर्किंग सेम है। बट ये है जो ये सेफ शटडाउन है, इसमें थोड़ी ऑप्शंस ज्यादा है, न्यूअर ट्वीक है, ज्यादा बेटर है ये। और ऑलमोस्ट सेंटिनल का भी ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है, उसमें भी सेम ही ऐसे है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैनुअल ट्रिगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ सेम। इसमें अगर मैं इसमें मैनुअल करूंगा अभी, जैसे प्रेस करूंगा तो मोड मेरा ये सेफ शटडाउन में ले जाएगा। ये देखिए, अब मैं कुछ भी वर्किंग करना चाहूं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही मैं इसको पावर के साथ कनेक्ट करूंगा, मेरा फोन टर्न ऑन हो जाएगा। ये देखिए गाइस, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा पावर का, ये देखिए मेरा फोन टर्न ऑन हो गया है। दोनों के फंक्शन सेम ही है, चाहे आप सेंटिनल कर लें चाहे सेफ शटडाउन कर लें, दोनों ही बेटर ट्वीक हैं। अब डिपेंड करता है आपके कौन से वर्जन पे कौन सा कंपैटिबल है, ऑलमोस्ट सारे वर्जन पे ये कंपैटिबल हैं। तो ये सेफ शटडाउन भी बिल्कुल फ्री है और सेंटिनल भी फ्री है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेट कर सकते हैं। दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों ही आपके फोन की जो जेल ब्रेक है लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करते हैं। आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि आपका फोन शटडाउन हो जाए दोबारा से जेल ब्रेक ना करनी पड़े, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके इसे शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।